अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त काबुली पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार और आसानी के साथ बनाया जा सकता है। इसके लिए मैंने दो बड़ी प्याज ली है, जो इस तरह कट कर ली है। ये ज़र्शिक है, तीन बड़े चम्मच मैंने ज़र्शिक ली है, और मेरे पास तीन पाव के जितना गोश्त है, हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। बाकी की थोड़ी सी चीज़ें हम बाद में डालेंगे, पहले शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज में ज़रूरत तेल डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, हमारा प्याज जब तक थोड़ा सा गोल्डन होने लगे, जब तक कि हम गाजर काट लेते हैं। प्याज हमारे थोड़े से ही गोल्डन हो चुके हैं, तकरीबन आधे। अब मैं इसमें गोश्त शामिल कर लूँगी। अच्छे से पकाना है हमने प्याज के साथ गोश्त को, ताकि गोश्त में से जो स्मेल आती है वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह। आधा चम्मच जीरा डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे प्याज के साथ। गोश्त को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। साथ में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे, कर लेते हैं। और जब तक इसको पकाएंगे, जब तक कि हमारा गोश्त अच्छी तरह से गल न जाए। एक घंटा हो चुका है, गोश्त अच्छे से गल गया है। ये सेला चावल है, आधा किलो। चावलों को मैंने 3 घंटा पहले भिगो दिया था, अब मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब मैं गोश्त में चावल को डाल देती हूँ। पानी है उबला हुआ, अब चावलों के हिसाब से चावलों में पानी डाल देंगे। पहले हम नमक चेक कर लेंगे। नमक मैंने चेक कर लिया है, अब हम चावलों को अच्छी तरह ढककर पका लेते हैं। ये बहुत ही सादा सा पुलाव है और बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो। चावल का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इस पे ज़र्शिक डाल देंगे। गाजर डाल देंगे, फिर से हम ढककर पकाएंगे तकरीबन आधा घंटे तक, बिल्कुल हल्की आंच पे। आधा घंटा हो चुका है, चावलों को चेक कर लेते हैं। मेरा थोड़ा खुला था तो मैंने अंदर से एक ढक्कन रख लिया था। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे से हमारे चावल बने हैं। आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में बताना है कि आपको ये बहुत ही आसान रेसिपी कैसे लगी, यानी कि काबुली पुलाव। चले जी, डिश आउट कर लेती हूँ। रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह, बहुत ही अच्छे। लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त हमारा काबुली पुलाव तैयार हो चुका है, बहुत ही आसानी के साथ और कुछ चीज़ों के साथ। तो आप लोगों ने ज़रूर ज़रूर इसे ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कीजिए। जज़ाकअल्लाह खैर।